जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, दोस्तों आज उसी की क्लास है, क्लास नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या दे रखा है कि ये कोई धनराशि है दोस्तों जो साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में क्या हम फंस जाते हैं दोस्तों, तो आज इसका एक सिंपल तरीका देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक मेथड तो आपको आता ही है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा मानकर मैं चलता हूँ और आज आपको मैं एक जो शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की वो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें दोस्तों। तो क्या दे रखा है, पहले तो क्या करना है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन की जो डाटा फॉर्म है वो तैयार कर लेनी है दोस्तों। तो क्या दे रखा है कि कोई धनराशि है, धनराशि मान लो कि एक रुपया है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि वो 7 वर्षों में, कितने 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है, दोगुना हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 2 रुपये की। तो ये हो जाती है मतलब क्या है, ये अमाउंट है दोस्तों। ठीक है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, ये क्या है प्रिंसिपल मतलब मूलधन है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा ही कितना होगा दोस्तों, ऐसा ही कितना होगा, 1 रुपये। ठीक है, यही तो होगा कि इसमें से यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देंगे तो दोस्तों ऐसा ही बच जाएगा दोस्तों। आगे क्या दे रखा है वो देखिए दोस्तों कि कितने वर्षों में यह राशि यानी कि प्रिंस अमाउंट है वो सेम है, और क्या दे रखा है यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। मूल राशि से कितनी हो गई दोस्तों, 5 गुनी। ठीक है, ये क्या है अमाउंट, तो हमारे पास ऐसा ही है दोस्तों, वो कितना होगा यहाँ से, चार, सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है, ऊपर भी यही किया कि 1 रुपये की राशि 2 रुपया हो जाती है, कितने ईयर में, 7 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कितना है दोस्तों, 1 रुपया। अब यहाँ पर जो एक राशि है 1 रुपये की, वो कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी। तो अब यहाँ पर जो ईयर की संख्या है वो ज्ञात करनी है, यानी कि यह कितने साल में 5 गुना होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों कि एक ऐसा यानी कि 1 रुपया ब्याज का बढ़ाने के लिए कितने वर्ष लग गए दोस्तों, 7 साल लग गए। तो अब आप बताइए कि अगर 4 रुपया ब्याज का बढ़ाने के लिए कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने वर्ष लगेंगे, 28 ईयर। ठीक है दोस्तों, कितने साल लगेंगे, 28 साल लगेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्या दे रखा है कि एक धनराशि 12.5% की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कोई एक धनराशि है जो 12.5% की दर से कितने वर्ष में, 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है दोस्तों। तो यह बताओ कि यह धनराशि कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये आपको एक भ्रामक तरीक भटकाने की कोशिश की गई है दोस्तों, यहाँ पर रेट भी दी गई है दोस्तों। अगर आप रेट से निकालना चाहते हो दोस्तों तो रेट से भी इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों, और जो मैंने पहले क्वेश्चन में मेथड बताया दोस्तों, पहले उसके तरीके से निकालेंगे दोस्तों, फिर रेट के तरीके से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दोस्तों भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों मेथड से इसका हल कर सकते हैं दोस्तों, रेट से भी हल कर सकते हैं दोस्तों, और जो पिछले क्वेश्चन में जो मेथड बताया था दोस्तों उससे भी हल कर सकते हैं दोस्तों। पहले रेट से करते हैं दोस्तों, रेट क्या दे रखी है दोस्तों, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या दे रखा है, तो यह बताओ
कितने समय लग रहा दोस्तों यह स्वयं की दोगुनी होने में, यानी कि कितना समय ले रहा है दोस्तों, यानी कि 8 से 16 होने में। 8 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू थी दोस्तों, और यह दुगनी हो रही है दोस्तों, दुगनी हो रही है कितने वर्ष में दोस्तों, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। यानी कि ये 8 रुपये की धनराशि है, वो 8 रुपये की धनराशि है दोस्तों, 8 से 8 होने पर। यहाँ पर 8 क्या है दोस्तों, ऐसा ही का मान है दोस्तों, ठीक है। 8 क्या है, ऐसा ही का मान है। 8 रुपये बढ़ने में कितना वक्त लगता है दोस्तों, 5 वर्ष। तो अब सोचिए कि 1 रुपया बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 5/8, सही है ना दोस्तों, सही है 5/8। अब क्या बता रहा है, यह है कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, 5 गुनी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 40 हो गया दोस्तों। 8 का 5 गुना कितना होता है, 40। यहाँ पर ऐसा ही कितना है दोस्तों, ये तो अमाउंट हो गया दोस्तों 40, तो ये प्रिंसिपल था ही दोस्तों, तो ऐसा ही कितना हो गया 32। यानी कि 32 रुपये की राशि बढ़ने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है दोस्तों। 1 रुपये की राशि बढ़ने में इतना वक्त लग रहा है, तो 32 रुपये की राशि बढ़ने में कितना वक्त लगेगा, तो 32 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, तो 20 वर्ष लगेंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों, जो हमने रेट दे रखी थी उसके माध्यम से हल कर लिया दोस्तों, ठीक है। कई क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों, ये रेट ही दी गई होती है दोस्तों, ठीक है। ये नीचे के आंकड़े हैं वो नहीं दिए हुए होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा मेथड था दोस्तों हमारा, जो पहले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी उसके बारे में, वो मेथड क्या था दोस्तों, अब उसके माध्यम से हम इसका हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या देर, अब रेट को छोड़ दीजिए अब दोस्तों, ठीक है, कि 5 वर्ष में कोई धनराशि है 1 रुपये की दोस्तों, ठीक है, वो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 ईयर में स्वयं की कितनी हो रही है दोस्तों, स्वयं की 2 गुनी हो रही है, ठीक। ये हो गया अमाउंट, ऐसा ही कितना हो गया दोस्तों यहाँ से 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया बढ़ने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 1 रुपया बढ़ने में कितना वक्त लग रहा है दोस्तों, 5 ईयर, मतलब कि 1 रुपया ब्याज का लेने में कितना वर्ष, कितने वर्ष लग रहे हैं, 5 वर्ष, ठीक है। अब ये दे रखा है कि 1 रुपये की राशि कितने समय में स्वयं की कितनी, 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, मतलब ऐसा ही का मान क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर, 4, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों कि 1 रुपया ब्याज का लेने में 5 वर्ष लग गए दोस्तों, तो अब यहाँ से बताइए कि 4 रुपया ब्याज लेने के लिए कितना वर्ष लगेगा, ठीक है। इस 4 को 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 4 × 5, तो क्या आ गया, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बी से बजरंगबली, ठीक है दोस्तों। यह है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें क्या दे रखा है, उसी आधार पर है ये भी दोस्तों क्वेश्चन, कि एक राशि है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, हमें पहले क्वेश्चन की डाटा फॉर्म तैयार करनी है। एक राशि साधारण ब्याज पर, ब्याज की प्रकृति क्या है दोस्तों, साधारण है, ठीक है। 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, माना कि 1 रुपया हमारे पास, वो 2 गुना हो रहा है, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, ठीक है। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, ठीक है। 1 रुपये का 2 रुपया हो रहा है दोस्तों, आप मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, वो 2 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो बताइए आपको ब्याज का कितना रुपया मिलेगा दोस्तों, 1 रुपया तो था दोस्तों आपका, आपको मिल कितने रहे हैं, 2 रुपये, तो कितना ब्याज मिला दोस्तों आपको, 1 रुपया, यही तो मिला दोस्तों। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है दोस्तों, ये दे रखा है कि 1 रुपया है, ठीक है, वो कितने समय में 10 रुपया हो जाएगा, यही तो बताया है दोस्तों कि 10 गुनी हो जाएगी वह राशि, 1 रुपया कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए 1 रुपया है, आपको 10 रुपये मिलते हैं, तो उसमें ऐसा ही है दोस्तों
वो ब्याज है वो कितना मिलता है दोस्तों, 9 रुपया। ऐसा ही तो है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको 1 रुपया ब्याज लेने के लिए कितने वर्ष लग गए दोस्तों, 6 वर्ष लग गए दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर आपको 1 रुपया ब्याज लेना है दोस्तों तो कितने वर्ष लग गए, 6 वर्ष, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर दे रखा है कि आपको 9 रुपया ब्याज लेने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। तो अब क्या करेंगे, 9 को 6 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 6×9 54, 54 वर्ष लग जाएंगे दोस्तों 1 रुपये पर। 1 रुपये का 10 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों, 54 साल। ऐसे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं बोर्ड पर वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में होगा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि क्या है, 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन क्या दे रखा है, 60, 48, 24 और 36, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है कि कोई धनराशि, मतलब कि 1 रुपये की कोई धनराशि है आपके पास, वो निश्चित धनराशि है, वो 12 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है, 4 गुनी, यानी कि 4 रुपये हो जाते हैं दोस्तों। कितने वर्ष में, 12 वर्ष, ठीक है, कितने हो जा। अब मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था, आपको 4 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों, तो कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, जो ऐसा ही है उसका मान कितना है, 3 रुपया ब्याज का मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बात है सिंपल सी। आगे क्या दे रहा है कि समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 1 रुपया है वो कितने वर्ष में 10 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ब्याज की दर वही रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा ही है, मतलब कि आपके पास 1 रुपया था, 10 रुपया मिल रहा है, तो सोचिए आपको कितना रुपया ब्याज का मिल रहा है दोस्तों, तो मिल रहा है 9 रुपया, ठीक है, 9 रुपया ब्याज का मिल रहा है दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या देखिए कि 3 रुपये का ब्याज लेने के लिए आपको कितने वर्ष लग गए दोस्तों, कितने वर्ष लग गए दोस्तों 3 रुपये का ब्याज लेने के लिए, 12 वर्ष, ठीक है। तो 3 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष लग गए दोस्तों। 1 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने लग जाएंगे, 12/3, मतलब कि 4 वर्ष, ठीक है। यहाँ से देखिए कि हमें 9 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है दोस्तों, तो 1 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 ईयर लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, 9 रुपये का ब्याज, 9 रुपये का ब्याज लेना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये का ब्याज लेने के लिए 4 वर्ष, 9 रुपये का ब्याज लेने के लिए 9 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। सीरीज तो वही है दोस्तों, लेकिन क्या है, टाइप चेंज हो गई दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर दिया दोस्तों, घुमा दिया गया है थोड़ा सा क्वेश्चन को दोस्तों। तो आप पहले इसका खुद सॉल्व करें दोस्तों, हल करने की कोशिश करें दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है दोस्तों, हल करिए आप इतनी देर में इसको। तो आपका टाइम आउट हो गया है दोस्तों। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में दोस्तों, हल करने की कोशिश करते हैं।
कि किसी निश्चित समयावधि में, यानी कि हमें जो समय अवधि है उसका मान नहीं दिया गया है कि कितने समय में, ठीक है दोस्तों, टाइम का मान नहीं दिया गया है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और क्या है मिश्रधन यानी कि अमाउंट का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है दोस्तों उसका अनुपात कितना दे रखा है, 5:5, ठीक है दोस्तों, यही बात दे रखी है। आगे क्या दे रहा है कि 8 वर्ष बाद में, यानी कि 8 वर्ष बाद है, 8 वर्ष बाद क्या दे रखा है दोस्तों, जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और अमाउंट मिश्रधन का अनुपात है वो दोस्तों वो क्या हो रहा है, 1:2 ये हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या ज्ञात करना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, जो रेट है दोस्तों उसका मान ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन को हमने डाटा फॉर्म में तैयार कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो सोचिए अगर दोस्तों, अगर आपके पास 5 रुपये हैं फिलहाल में, या 500 रुपये हैं दोस्तों, ठीक है, वो कुछ समय में कितने रुपये हो रहे हैं दोस्तों, या 800 रुपये हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी बेस पर ले लेते हैं, क्या अगर आपके पास 500 रुपये हैं दोस्तों, ठीक है, वो कुछ समय में यानी कि निश्चित समय अवधि में, यानी कि मान नहीं दिया गया है, वो 600 रुपये हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। इसके बाद क्या दे रखा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या दे रखा है कि जो हमारे पास 600 रुपये थे दोस्तों, 600 रुपये थे, और अब जो उनका नया 600 रुपये थे और उनका जो नया ब्याज मिला करके, अमाउंट मिला करके जो मिश्र धन हो रहा है दोस्तों, मिश्र धन उसका अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, उसका अनुपात दे रखा है 1:2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या कभी हमारे पास जो मूलधन है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्या दोस्तों, ये देखिए कि कोई मूलधन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। तो पहले इनको क्या करना है, समान बनाना है दोस्तों। समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 5:10, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये समान हो गया दोस्तों। अब देखिए जो अमाउंट था दोस्तों हमारे पास, पहले कितना था, 6 रुपये, अब कितना हो रहा है, 10 रुपये, ठीक है। कितना बढ़ा दोस्तों, ये कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया दोस्तों। ये 4 कितने वर्षों में बढ़ा दोस्तों, 8 वर्षों में। ये 4 है दोस्तों वो कितने वर्षों में बढ़ा, 8 वर्षों में, ठीक है, 8 वर्षों में बढ़ा। और कितने रुपए पर बढ़ा दोस्तों, 5 रुपए पर, जो प्रिंसिपल की वैल्यू थी दोस्तों वो कितने, 5। तो ऐसे रेट आ जाएगी, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे रेट ज्ञात करने के लिए, तो ये आ गई रेट हमारे पास दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, ये कितना हो रहा है, 5 से काटेंगे 20 दोस्तों, ठीक है, 4 × 8, 2 से जाएगा 10, 10% आ जाएगी। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल की वैल्यू है, दो मूलधन की वैल्यू है वो है 5, ठीक है दोस्तों। ये जो ब्याज है वो कितना बढ़, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 4 रुपये, ये क्या है दोस्तों, ये 4 रुपये ब्याज है, यानी कि SI का मान कितना है दोस्तों हमारे पास, 4 रुपये, ठीक है। हमारे पास टाइम अवधि दी गई है, समय अवधि दी गई है, वो कितनी है, 8 वर्ष। टाइम का मान कितना है, 8 वर्ष, ठीक है। तो आप देखिए SI का जो सामान्य फॉर्मूला, SI × P × R × T, ठीक है बेटा, 100, ठीक। SI कितना है दोस्तों, 4 रुपये, टी कितना है, 5 रुपये, आर का मान हमें ज्ञात करना है, टी का मान 8 है बट्टा 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी जब आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों, 10%, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करना होता है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है दोस्तों वो कभी चेंज नहीं होती, इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो प्रिंसिपल का मान है उसको समान बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे दोस्तों। 5 से गुणा करने पर जो नया अनुपात है दोस्तों वो हमारे पास ये आ गया, पहले वाला अनुपात ये था। अब देखिए दोस्तों अमाउंट में कितना वृद्धि हो रहा है, 4। ये 4 क्या है दोस्तों, ये है ब्याज, ठीक है, ये है ब्याज दोस्तों।
अब प्रिंसिपल हमारे पास था ही दोस्तों, कितने समय में आ रहा है ब्याज, ये 8 वर्ष में, ठीक है, ये आ गया टाइम। तो ऐसा ही कि सामान्य फॉर्मूले में जब हम रखकर मान ज्ञात करेंगे रेट का, तो यहाँ से रेट का कितना मान आएगा दोस्तों, 10%, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पिछले क्वेश्चन की दोस्तों उसी आधार पर है। क्या दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है कि एक निश्चित समय अवधि में मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है और अमाउंट की है जो अनुपात है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 5:6, ठीक है। क्या दे रखा है कि 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है, इनका अनुपात हो रहा है कितना, 2:3। अब सोचे दोस्तों कि जो मूलधन की वैल्यू है क्या कभी वो बदलती है दोस्तों, नहीं बदलती दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको भी 5 बना लेंगे दोस्तों, इनको समान करेंगे दोस्तों, यानी मूलधन की वैल्यू जो प्रिंसिपल की वैल्यू है उसको समान करेंगे, समान कर लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या करेंगे, इसको तो 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो नया अनुपात है दोस्तों वो क्या रहा है हमारे पास, वो आ रहा है यहाँ से 10:12 है, और यहाँ से कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10:15, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो अमाउंट में है वो कितना वृद्धि हो रहा है दोस्तों, अमाउंट में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि। ये 3 क्या है दोस्तों, ये है ब्याज का मान, यानी कि ये क्या है, SI की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य जो अब हम ज्ञात करेंगे सामान्य फॉर्मूले से रेट का मान दोस्तों, P×R×T/100। SI की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 यहाँ से, और R हमें ज्ञात करना है। टाइम कितना है दोस्तों, 6 ईयर, ठीक है, 6 साल यहाँ से, ठीक है दोस्तों, 0 से 0, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, 2 से 3 अरे 5, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेट का मान है दोस्तों वो क्या आ गया, 5%, ठीक है। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।